रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, बहिया टाउन में होने वाली डकैती के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया खोज में है जिस वाकये के तहत लोगों ने एहतजाज भी किया। बहिया टाउन में कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो भी 6 लाख रुपए में, क्या ये मुमकिन है? नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानें। लेकिन कल ही बंजरे आम पर लोगों ने एक नई एहतजाज जारी की है। आइए इस खबर की तफसील पर नजर डालते हैं। इंसान के बच्चे बनो, तुम अरबों रुपए कमाओ, हमें जीने का हक दो। कोई राइट नहीं पहुंचता तुम लोगों को, किसी को एफआईआर काटो। किसी यार, वो बच्चा जिसकी कोई आज तक क्राइम रिपोर्ट नहीं है, उसकी एफआईआर काट दिया आपने। यार व्हाट इज दिस, यार व्हाट इज गोइंग ऑन? कोई फंडामेंटल राइट है नहीं? हम क्या कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं? खान साहब को भी सोचना चाहिए कि यार इन चोरों को ऊपर हाथ डाले। भाई हमने आज पुलिस को भी ये कहा है कि आप अंदर हमें एक चौकी दें, आप हमें अंदर दो मोबाइल दें, ताकि इनके हाथ से ये इख्तियार जाएं और पुलिस के हाथ में। भाई इनके तो इख्तियार, यहाँ खड़े रहो दो मसला, वहाँ खड़े रहो दो मसला। ये बल्ब क्यों लगाया, ये तार क्यों लगाया, ये झंडा क्यों लगाया, ये इसके क्यों किया? भाई क्या हम जेल में रह रहे हैं? आपका भाई आपसे नहीं मिलने आ सकता, आपकी माँ नहीं मिलने आ सकती, आपकी बहन मिलने नहीं आ सकती, तो क्या है ये? और बाकी आप जिसको मर्जी आए अंदर छोड़ दें। आप पहले पहले लाइन लगाएं वहाँ पे, क्योंकि पहले आप चेक पोस्ट पे जाएं, वहाँ पे आप लाइन लगाएं, फिर इसके बाद यहाँ लाइन लगाएं, फिर तीसरी लाइन यहाँ लगाएं। 3 लाइनें लगाने के बाद आप अंदर जाओ। आप 50 से 60 हज़ार रुपये पेट्रोल ज़्यादा देते हो यहाँ रहने कम से कम, तो फिर हम दिहाड़ी में रहते हैं भाई। हम अगर ये आबाद कर सकते तो इसको ख़त्म भी कर सकते। और ये 5 से 7% पब्लिक अभी तो रहने आई है, ये जिस दिन 15-20% हो जाएगी उस दिन तुम्हारा बाप भी नहीं संभाल सकता इस तरीके से जैसे तुम संभालो। भाई तुमने ये गेट बनाया है, भाई दरवाजे खोलो, खोलो, जाने दो इजी लोगों को, क्यों परेशान कर रहे हो लोगों को? कैप्टन जाहिद, कैप्टन अबे भाई तू आर्मी में था, तू एयरफोर्स में था, तू अब एक बिल्डर का मुलाजिम है ना? सही गल, उस टाइम भी हमारा ही मुलाजिम था, वो भी हमारा, उस टाइम पे भी हमारा मुलाजिम था, आज भी हमारा मुलाजिम। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। गो जाहिद गो, गो गो जाहिद गो, गो जाहिद गो, गो जाहिद गो, गो जाहिद गो। ये गुंडा कर दी नहीं चलेगी, ये गुंडा कर दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है भाई। नहीं आया, अच्छी बात है, ये दुनिया देख रही है, ये दुनिया को मैसेज जा रहा है। बहिया टाउन, सो कॉल्ड बहिया टाउन, एक सेफ सिटी बनाई है। कौन सी सेफ सिटी है भाई? नवी चोरी हो गई, नवी चोरी हुई है और सेफ सिटी है। एनओसी आपकी कैंसिल कर देंगे भाई, घर आपका कैंसिल ये कर देंगे कि तुम्हारे बाप का घर है। मैं अपने प्लॉट पे खड़ा हूँ, क्यों खड़े हो तुम? यहाँ क्यों खड़े हो? तुमने ये बल्ब क्यों लगाया? तुमने ये झंडा क्यों लगाया? पूरी हद हो गई यार, आप तंग क्यों कर रहे हो लोगों को? आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बेहतर करो, हम आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना है। मगर इस क्रेडिबिलिटी से हमारा भी फायदा है, आपका भी फायदा है, हमारे को पीसफुल माहौल मिलेगा, काम करने का माहौल मिलेगा। हम भी यहाँ पे इसीलिए शिफ्ट हुए हैं ना, एक पीसफुल माहौल के लिए शिफ्ट हुए। बिल्कुल, आपका काम ये है कि आप हमको फैसिलिटेट करो, आप आसानियाँ पैदा करो लोगों के लिए। जो ओवरसीज बायर है वो आपको देख रहा है। आज ये डिजिटल दुनिया है, अब तुम्हारी मीडिया, ये जो सो कॉल्ड मीडिया तुम्हारा साथ देती है वो देती रहे, हमारे लिए ये मीडिया काफी है, ये इससे ज्यादा पावरफुल है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल। चलाओ सब, और इनकी एक से एक बजेगी। नहीं दिखाए मीडिया, हम दिखाएंगे मीडिया को, हमको आता है दिखाना, डिजिटल कैसे होगा, वायरल हमें पता है। हद हो गई यार, आप आए, आपके जो भी आपका कंट्री हेड है शाहिद कुरैशी साहब आए, अली बैठे, नहीं बैठे ना, कोई रास्ता नहीं, नहीं उनकी कोई सुन नहीं रहा, इनकी सिक्योरिटी नहीं सुन रही, वो कह रहे हैं कि इनके साथ आप सबका मामला क्लियर करें, इन्होंने हमारी एफआईआर कर दी। नहीं नहीं बैठे, हमने भी इनके खिलाफ गए, मगर क्योंकि ये बहुत मजबूत समझते हैं अपने आप, इनको लग पता जाएगा ये पंजाब नहीं है, कराची है, सब यहाँ रहते हैं, सब पूरे पाकिस्तान के, पंजाब, पश्तून। मैं तुमको मैसेज दे रहा हूँ, ये लोगों ने वहाँ पे, अगर तुमने
जो है ना फौरी तौर पे यहाँ पे मामले का हल नहीं किया। फेज 8 में, फेज 9 में गरीबों ने कुछ नहीं बोला। यहाँ पे तो हर बंदा यहाँ का है, सिंधी भी आए, पंजाबी भी आए, पठानी आए, सिराकी आए, बलोची आए, यहाँ सब सब है ना। वहाँ तो सिर्फ इसने पंजाब देखा था और वहाँ सब उनको खून पी गया। यहाँ भी पी लूंगे, यहाँ पी लूंगा कि तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमारी आर्मी हमारी सर का ताज है, हमारे सर का ताज है हमारी आर्मी। मगर ये जो तुम आर्मी का झंडा लगा के तुम कोशिश कर रहे हो, ये देखा है तुम्हारे में मुझ में कोई फर्क नहीं है। तुम सिविलियन हो, तुम्हारे में मुझ में ये फर्क है कि मैं बॉस हूँ और तुम मुलाजिम हो। सिर्फ मुलाजिम ही रहोगे तुम। पहले भी तुम हमारे मुलाजिम थे, आज भी हमारे मुलाजिम, और आज सिर्फ और सिर्फ एक डेवलपर के मुलाजिम हो, बस नथिंग एल्स। सो पुट इन योर माइंड, पुट इन योर माइंड सिस्टम बनाए ना यार, सिस्टम बनाए। मैंने कहा कि आप हमारे में से लोग लें, कुछ लोग ऐसे लें जो आपके रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आप रिहायशी लोगों की टीमें बनाए ना। कि आप जब सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे खोलते हैं आवाम के लिए, तो आप वो आपका ब्लॉक है रेजिडेंशियल ब्लॉक, वहाँ पे किसका का क्या काम है? आज हमने SHO को ये कहा है, हमने ये कहा है कि आप अंदर एक चौकी बनाए, दो मोबाइल अंदर जरूर है यार, कैसे नहीं हो सकता? तो फिर आप इनसिक्योरिटी पे आप हर पेशेंट को गेटेड करें। पुलिस का यहाँ पर आना ही बनता क्यों नहीं बनता? आपके लिए खड़ी हुई है। एक बात बताएं, DHA में क्या करते हैं? आपके लिए खड़ी हुई है। DHA में क्या करते हैं? DHA की सिक्योरिटी ये बता दें, पुलिस आपके लिए खड़ी हुई है, मुझे बताएं। पहले नहीं खड़ी हुई, आप मुझे। तो नाज़रीन ये थी कल की सूरत हाल। एक तरफ इनका कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं, प्रोटेक्शन नहीं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिव है, इस सोसाइटी को एक जेल बना दिया गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह कीजिए और देखते रहिए रेड बॉक्स TV।